हेलो फ्रेंड्स, आज हम औषधि प्लांट्स का डिस्कशन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं औषधियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। औषधियों के प्राप्ति हेतु उपयोगी प्लांट्स की आकार की प्रकृति के आधार पर औषधियों को कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कुछ समूह का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से समूह हैं। फर्स्ट देखेंगे हम इसमें जड़ तथा भूमिगत भागों से प्राप्त औषधियाँ। सेकंड में देखेंगे तना तथा एरियल ब्रांच से प्राप्त औषधियाँ, ऐसे पौधे जिनके स्टेम तथा वायु शाखाओं से प्राप्त को औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। थर्ड में देखेंगे छाल से प्राप्त औषधियाँ, ऐसे प्लांट जिनके छालों से हम औषधि तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है पत्तियों से प्राप्त औषधियाँ। फिर उसके बाद हम देखेंगे पुष्पों से प्राप्त औषधियाँ। फिर है फल एवं बीजों से प्राप्त औषधियाँ। फिर देखते हैं कि संपूर्ण पौधे से प्राप्त औषधियाँ। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर संपूर्ण इस प्रकार इन्हें 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अब देखेंगे हम शंखपुष्पी। शंखपुष्पी जो जिसको हम बॉटनिकल नेम हैं कैस्कोरा डेक्यूसेटा का प्लांट दिखाई दे रहा है, उसके फ्लावर्स भी लगे हुए हैं इसमें। शंखपुष्पी इसका लोकल नाम है। अब इसमें हम देखेंगे इसको JCNC फैमिली में रखा गया है। अन्य कॉमन नेम देखेंगे हम शंख फूली, इसको कहते हैं डाकुनी। औषधि महत्व वाले पार्ट्स ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, तो पूरा पौधा इसका मेडिसिन के लिए उपयोग में लाया जाता है। औषधि उपयोग में यूजेस, किस प्रकार से हम इस पौधे का मेडिसिन के रूप में उपयोग करेंगे। तो समस्त पौधे के ताज़ा रस का सेवन मिर्गी तथा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों के उपचार में एवं दिमाग जैसे कमजोरी ठीक करने एवं याददाश्त बढ़ाने वाली टॉनिक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। संपूर्ण पौधे को पीसकर बनाए गए पेस्ट का सेवन दूध के साथ करने पर विधिवर्धक टॉनिक का ये काम करता है। इस प्रकार ये पौधे हैं, स्टेम है, लीफ है, पौधे का एक ब्रांच हम लिए हैं और उसका ये फ्लावर है, एक टुकड़ा हिस्सा है। इसे हम शंखपुष्पी या इसे कैस्कोरा डेक्यूसेटा बॉटनिकल नेम से जानते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्लांट्स हमारे पास है बोकोपा मनियरी ब्राह्मणी, जिसको कहते हैं हम, इसे बोकोपा मनियरी बॉटनिकल नेम है इसका। इसे स्क्राफ फुलेरेसी फैमिली में रखा गया है। अदर लोकल नाम इसे जलनी, सरस्वती, नीरपिरामी, नीर ब्राह्मणी के नाम से भी जानते हैं। इसका फ्लावर है, प्लांट का एक टुकड़ा लिया गया है, एडवांटेज रूट हेयर की समान संरचना दिखाई दे रही है। लीफ और ये उसके फ्लावर्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू,
संपूर्ण भाग पौधे का हम दवाई औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। औषधि उपयोग इसे गलती से सेंट्रेला एसेटाइका भी मान लिया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से भले ही दोनों को ब्राह्मणी माना जाता है, परंतु आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण से संबंधित संहिता में ब्राह्मणी इसी पौधे को माना जाता है। आइए देखते हैं हम इसमें, तो पादप के रस का सेवन बुद्धिवर्धक होता है तथा बुद्धि तीक्ष्णता बढ़ाने वाली होती है। यह स्फूर्तिदायक, पाचन वर्धक, हृदय को स्वस्थ रखता है। अतएव आयुर्वेद एवं यूनानी टॉनिक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। इसका सेवन जो है ज्वर, कोढ़, सिफिलिस, चर्म रोग, बांझपन, अल्सर आदि में इसका हम यूज़ करते हैं। इस तरह इस पौधे के पूरे भाग का हम यूज़ मेडिसिन के रूप में करते हैं। फ्लावर, लीफ, स्टेम सभी पूरा संपूर्ण पौधा हम इसका मेडिसिन के रूप में उपयोग करते हैं।